اكبر. है ना, गूंजती है ना आवाज दोस्तों। और इसके अंदर है राजा की कब्र, अकबर की कब्र। एक चीज और दिखाते हैं, जो मतलब दीवारों में एक दूसरे से बात करते हैं वो आवाज आती है। तू उधर से बोलेगी, मैं उधर मोबाइल लगा दूं। ये देखिए मैं इधर मोबाइल लगा दे रहा हूँ। हाँ बोल। हाँ आ रही है। ताली की अलग आवाज है, वो अलग आवाज, वो अलग आती है। स्वागत है दोस्तों आपका हमारी एक और नई वीडियो में। वैसे नीतू ने एक बार स्वागत कर दिया है दोस्तों वहाँ हाईवे के ऊपर, परंतु अब हम इस समय फिलहाल पहुँच चुके हैं अकबर के मकबरा, जहाँ पर जो हिंदुस्तान का राजा था उसको जहाँ पर दफन किया गया है उस जगह को, उस जगह पर। दोस्तों पहले भी मैंने एक बार वीडियो बनाई है यहाँ पर अकबर के मकबरे की। गर्मी इतनी भयंकर है, मेरे पसीना बालों में से इतना भयंकर। हाँ नीतू ने तो धो रखा है और इतना भयंकर आ रहा है। ऑटो से आए थे तो ऑटो में हमारे पापा की कॉल आ गई बधाई देने के लिए। बधाई देने के लिए तो 5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। थैंक यू आप सबको बहुत दिल से, जो है दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने इतना जल्दी से जल्दी 1 मिलियन हो जाए ना, ताकि हमारा गोल्डन प्ले बटन भी आ जाए। और तो इसलिए प्लीज़ 1 मिलियन सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी हो जाए। बस ये ना किले वगैरह में बस यही परेशानी है, पैदल बहुत चलना पड़ता है। हाँ तो कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था ना फतेहपुर सीकरी, यानी कि जो भारत का सबसे बड़ा जो दरवाज़ा था ना बुलंद दरवाज़ा, सेम उसी प्रकार से ये बना हुआ है जो है सिकंदरा। ये सिकंदरा में है, आगरा के पास में सिकंदरा है, आगरे ही में एंट्री करती तो वहाँ पर। ये दरवाज़ा भी बिल्कुल दोस्तों सेम टू सेम ऐसे ही बना हुआ है जैसा फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा। पहले भी एक दरवाजा है वो, हाँ वो भी छोटा सा दरवाज़ा है। और चलो चलते आगे। देखिए दोस्तों ये है अकबर का मकबरा, फोटो शूट करवा रहे हैं यहाँ पर पब्लिक। ये देखिए इसमें एंट्री करने से पहले एक छोटा सा दरवाज़ा है, इसी में से आना जाना होता है, और उसके बाद में बहुत विशाल दरवाज़ा। ये छोटे से दरवाजे में से आ रही है नीतू निकल करके। हाँ ज़्यादा हाइट नहीं है, छोटा है लेकिन फिर छोटा ही है, से आते फिर काफ़ी बड़ा दरवाज़ा है। ऊपर देखो मधुमक्खी ने छत्ता भी रख लिया है। हाँ ये देखिए कितना, ये भी विशाल है ना, वैसे उसके मुकाबले तो नहीं है। हाँ और कितनी सुंदर पेंटिंग है। हाँ पेंटिंग पत्थर में गुदा हुआ है, और ये उसके लड़के ने बनवाया होगा क्योंकि वो तो मरी चुका था राजा। कब्र है ना इसमें। हाँ उसकी कब्र है, आवाज गूंजती है उसमें। इसको ज्यादा जानकारी है, पहले आ चुकी है ना। वो है ना वो बोलते हैं ना दीवारों पे भी कान होते हैं, वो भी चीज है इसी के अंदर, एक दूसरे पे दीवार से कान लगा के। हाँ एक दूसरे की वॉइस भी इसमें सुन सकते हैं, वो भी दिखाऊंगा। चलिए अंदर एंट्री करते हैं राजा की कब्र के। ये भी लकड़ी का दरवाजा है, ये देखिए काफी मजबूत है ये भी। जैसे अंदर एंट्री करते हैं ना तो ये देखिए फिर ये गुम्बद टाइप का सा बनाया हुआ है यहाँ पर। ये देखिए ये देखिए फोटो शूट वगैरह हो रहा है यहाँ पर दबादार। हाँ फोटो शूट कर रही है पब्लिक। ये देखिए हाँ सेम जैसे ही, हाँ जैसे अंदर से और फिर बाहर निकले तो सेम ही। हाँ और हमारे साथ सबसे आगे अब देखिए जैसे ही हम थोड़ा सा आगे चलते हैं ना, ये पूरा चबूतरा सा है, खुला हुआ है, और सामने जो आप देख रहे हैं ना वहाँ पर वो है कब्र राजा की। देखिए दोस्तों यहाँ पर ना सेल्फी वगैरह होंगे बहुत, वो है लोग बाग दिए उन्हें ना, तो सेल्फी वगैरह लेते रहते हैं। और वो देखिए सामने यहाँ पर ना कितनी हरियाली भी है और साफ़ सफाई भी है बहुत ज़्यादा। हाँ बहुत साफ़ सफाई है दोस्तों। है तो ये इतना बड़ा, बहुत ही विशाल है, परंतु हम आपको ज़्यादा नहीं दिखाएंगे। जहाँ तक राजा की जो कब्र है ना उस कब्र को दिखा देंगे। हाँ क्योंकि वो पहले नीतू ने देखी हुई है, तो इसीलिए ना ये मेरी गाइड बन रही है इस समय, खुद बता रही है, बोले कि यहाँ चलो वहाँ चलो। खजूर, हाँ खजूर नहीं है ये, नारियल है क्या, नारियल नहीं है भैया, पता नहीं कुछ और है। यहाँ पर एक कुंड जैसा भी है,
पता इतनी दूर ला करके राजा को यहाँ दफन, फिर इतना बड़ा बनवाया महल जैसा, महल जैसा ही बनवा दिया उसकी कब्र के लिए। हाँ फिर आते होंगे यहाँ पर उसकी समाधि, पता नहीं क्या है। मैंने तो सोचा कि आपको, जब यहाँ आया हूँ आगरा में सर्विस कराने के लिए, तो सोचा कि आपको भी दिखा देता हूँ। वो उसी वाली डिजाइन पंचवटी जैसे है ना, 1, 2, 3, 4, 5 मंजिला। ये बहुत दूर चल करके आ गए अपन, किलोमीटर है। हाँ किलोमीटर लंबा पड़ जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब चौड़ाई में तो बहुत ही बहुत है। ये देखिए इधर, वो उधर चले जाए ना तो उधर की साइड में और है, बहुत बड़ा, पर उधर जाएंगे नहीं। सब है इसी के अंदर, इसी के अंदर है सारी चीज़ें। ये देखिए, ये पहले कभी यहाँ फव्वारे वगैरह चलते होंगे, और हम आ रहे हैं वहाँ से, इतनी दूर से आ रहे हैं हम। और उससे अभी आगे से आ तो बहुत आगे से रहे, परंतु वो है फिलहाल जहाँ से हम निकल करके आ रहे हैं। दोस्तों इसमें जो मेन गेट है ना, उसके अंदर है राजा की कब्र, और जो साइड में है ना 2-3 कब्रें, वो उनकी लड़की वगैरह की है शायद। और वो ना इसमें खुशबू कितनी अच्छी आती है। हाँ इसके अंदर खुशबू बहुत अच्छी आती है, बहुत सुंदर खुशबू, मतलब बहुत अच्छी खुशबू आती है। पता नहीं क्या अगरबत्ती वगैरह, सेंट इत्र वगैरह डाल करके रखते हैं। देखिए दोस्तों ये है, इसके अंदर है राजा की कब्र। दोस्तों अब इसके अंदर है राजा की कब्र, अकबर की कब्र, और इधर भी कब्र है, शायद रुकैया की है और उसकी बेटी की है, बताते हैं ऐसा है, हमें पता नहीं है क्लियर, लेकिन इसके अंदर राजा की कब्र है। आइए चलिए देखते हैं। हाँ पहले मैं आया हुआ हूँ यहाँ पर, दोस्तों यहाँ पर वीडियो नहीं बनाने देते, पर फिर मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है राजा की कब्र, अकबर की कब्र है, देखिए कितनी बड़ी है, विशाल है, और यहाँ पर आवाज़ गूंजती है। पहले भी मैं जब आया था, हाँ यहाँ पर अगर बोलेंगे ना तेज़ तो आवाज़, मैं भी बोल रहा हूँ तो आवाज़ गूंज रही है ना। पता नहीं ये क्या है, इसके ऊपर कुछ है, परंतु खुशबू बहुत अच्छी आ रही है ना। अगर यहाँ पर ऐसे बोले ना अकबर, नहीं अभी मैं तेज बोलूँगा अकबर। हाँ हाँ नहीं हाँ मैं मथुरा से। हाँ ये देख लीजिए, तो एक बार और लास्ट में एक बार और बोल करके देखता हूँ अकबर। है ना घुसती है ना आवाज। चलो हाँ इस रास्ते से आए थे हम और वापस उसी से जा रहे हैं। अकबर का तो दिखा दिया, बाकी के 2-1 और हैं यहाँ पर, वो और दिखा दूंगा आपको। तो ज़्यादा तेज नहीं बोल सकते थे, थोड़ी सी भी बोलो वो भी घुसती है। अगर वो अकबर की कब्र थी और इधर बोर्ड नहीं लग रहा तो इसलिए हमें पता नहीं है। मैं बता दूंगा आपको, और भी 2-1 कब्रें हैं यहाँ पर, परंतु दोस्तों उसके अंदर ना, अगर जैसे मैंने बोला था ना अकबर, तो एकदम अकबर 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 अंदर जाके ऐसे करके, हाँ गुफा में जा करके एकदम खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू, इत्र वगैरह डाल के रखते हैं नहीं, ज़्यादातर ऐसे चमगादड़ की स्मेल आती है ना, बोल रही है खुशबू आ रही है। उसके अंदर पहले में आया था ना तो एक मौलवी था, और वो एक चीज और दिखाते हैं जो मतलब दीवारों में एक दूसरे से बात करते हैं वो आवाज आती है। कहते हैं ना दोस्तों पुराने समय में बोलते थे ना दीवारों के भी कान होते हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर दीवारों के भी कान है। पहले मैं ये दिखा देता हूँ एक बार आपको, ये और है यहाँ पर किसी की कब्रें हैं, उसी की लड़की की है, राजा की बच्चों की है, राजा की लड़की की है, पता नहीं ये रुकैया बेगम बेगम की पता नहीं किसकी है। हाँ अब नहीं है, पहले बैठते रहते थे। नक्काशी वगैरह यहाँ पर भी काफ़ी सुंदर की हुई है, जॉइंट नहीं है कोई भी जॉइंट नहीं है, बिल्कुल ऐसी के ऐसी बनाया हुआ है। अब चलिए थोड़ा सा इधर चलते हैं ना, तो इसके अंदर देखिए ये है पुराने समय के टेलीफोन, आगे इसके अंदर तो पता नहीं एक और कोई कब्र है, ये ऐसी कब्र है यहाँ पर। पर है ना कितना मार्बल कितनी साफ सुथरी है ना एकदम। पर मेन थी दिखाना राजा की कब्र, अब हम आ गए
दीवालों के भी कान होते हैं उस जगह पर। ये देखिए लोग बागों में ना काले काले निशान हो गए ना, निशान हो गए ना। देख तू इधर खड़ी हो जा, तो फिर भी तू खड़ी हो जा, मैं बोलूँगा और मैं वीडियो में कैप्चर करूँगा, है ना, तू बोलना। देखिए नीतू ना, नीतू देखिए उधर खड़ी हो गई है कोने में जा करके, वहाँ से टेलीफोन करेगी मेरे को, हाय हेलो करेगी, और मैं इस वाले कोने में हूँ, बोल नीतू। देखिए सुनिए, हाँ आ रही है आवाज़ मेरे को भी आ रही है। दोस्तों आपका आ रही है क्या, एक बार प्लीज़ कमेंट करके बताना क्लियर, एक बार बोलना नीतू कुछ भी, हेलो हेलो कुछ। अब देखिए कितनी दूर से वो बोल रही है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस वाले कोने में को रहने दे, इस बार ना इस वाले कोने में जाओ, अब के देखना इस वाले कितनी दूर है दीवार, मैं वहाँ से नीतू बोलेगी, है ना, और मैं देखिए सुनूंगा यहाँ से इस वाले कोने से, तो बोलना नीतू। हाँ आ रही है दोस्तों, आपको आ रही है क्या? हाँ हाँ रियल में आ रही है, रियल में। और देखिए कितनी दूर है नीतू, वो देखिए कितनी दूर है वो, रे आ जाओ। तो हम जहाँ पर खड़े हुए हैं ना वहाँ पर देखिए हमारा गाइड बताएगा, बताइए बीच पॉइंट पे, मतलब बीच में खड़े हो जाओ और ताली बजाओ ना तो आवाज़ गूंजती है ऊपर, तो अब करेक्ट राइट चलो तो करो। ये यहाँ पर बीच में खड़ी हो जाएगी ये, और ऊपर देखिए गुम्बद है, नहीं नहीं इसमें से आती है आवाज़, इसमें आती है ऊपर दिखा ना, अरे हाँ ऊपर करो ना कैमरा दिखा ना। है कमाल की चीज, देखिए यहाँ नहीं आ रही है ना, मारती रह तू ताली, देखिए यहाँ नहीं आ रही है, अब देखना मारती रह। ये ताली की अलग आवाज है, वो अलग वो अलग आती है ना, कमाल ये भी कमाल। ये दो तीन चीज़ें दिखा दी आपको यहाँ पर, पहली चीज़ तो अकबर की जो समाधि है यहाँ पर, कब्र है सॉरी समाधि क्या, समाधि में गलत बोल जाता हूँ, अकबर की जो कब्र है ना वो है, और दूसरा दिखा दिया जो टेलीफोन दीवालों के कान होते हैं, और तीसरा जो ताली की से जो मारते हैं ना तो आवाज़ गूंज जाती है वो है। दोस्तों वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और दोस्तों एक बार दोबारा से आपसे ना हम दिल से धन्यवाद बोलेंगे कि आज आपने हमारा जो परिवार है ना, आज हमारा परिवार 5 लाख का हो गया है। दोस्तों 5 लाख रियल में मेरे को यहाँ तक जो सफ़र किया है ना आप लोगों के साथ में और आपके प्यार में, बहुत टाइम लगा, बहुत ही परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, ये नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, परिवार बढ़ता है, फैमिली बढ़ती है। अब तो वैसे 5 लाख को भी क्रॉस कर गया है, मैंने अभी करीबन आधा एक घंटा पहले देखा था, 5,20,000 थे। तो चलिए बाकी का एक बार राउंड दिखा देता हूँ, हर तरफ ना इसी प्रकार से है ये मकबरा, और हाँ अब फिर हम यहाँ से वापस ही रिटर्न होंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा है ये, बहुत बड़ा है, छोटा मोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है। ये देखिए कैसे घूम रही है एक बोतल लेकर के आराम से, दिक्कत होती है बहुत गर्मी में, इतना गर्मी है। 2 मिनट बैठे क्या यहाँ पर? यहीं बैठे थे पहले भी हम, पहले भी यहीं बैठे थे, सुमंत आया था हाँ साथ में, और ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, बड़ा अच्छा पेड़ है, छाया है पेड़ की काफ़ी, और यहाँ पर हम थक गए बैठते हैं 2 मिनट। ये दोस्तों जो कब्र, राजा की कब्र के आगे जो है सेल्फी ले रही है ये, और पीछे है रुकैया की कब्र, और वो रुकैया आकर के कर दे इनकी तरफ, ओ तो हो गया इनका तो हार्ट अटैक, तो वैसे ही पड़ जाएगा इनको, एक हड्डी हाड़े देख लीजिए, पीछे है ना रुकैया की कब्र है और उसके आगे बैठ करके सेल्फी ले रही है, चलो लेने दो उनको। बाकी का ये यहाँ से नज़ारा दिखाता हूँ, कितना सुंदर नज़ारा है। और ये भैया हैं ये बनारस के हैं, ये एग्ज़ाम देने के लिए आए थे यहाँ पर, और अब इनका एग्ज़ाम आज कंप्लीट हो गए, कब्र में नहीं जा रहे थे। हाँ ये इनको डर लग रहा था, राजा की कब्र में नहीं जा रहे थे, फिर हमारे साथ गए। पहले मैंने सोचा था शायद ये यहाँ पर जॉब वगैरह करते हैं, परंतु नहीं, ये बीएड वगैरह का एग्ज़ाम देने के लिए आए थे, और ये अब चले जाएंगे, बनारस के रहने वाले हैं भाई। हाय हेलो कर दो भाई हमारे सब्सक्राइबर को, आएंगे कभी बनारस, चलो हम भी आएंगे कभी बनारस। चलिए दोस्तों वहाँ से हम अकबर की कब्र को देख करके हम आ गए, अब आगे निकल रहे हैं, यहीं से हमारी एंट्री हुई थी यहाँ पर सेल्फी। अरे वाह अच्छा ये पीछे से सेल्फी दे रही है क्या, मेरे को लगा आगे से दे रहे हैं। चलिए यही एक रास्ता है जाने का, और यहाँ पर भी लोग वहाँ खड़े रहते हैं सेल्फी लेने के, पता नहीं ये छोटा सा गेट क्यों बनवाया है अकबर ने, अकबर ने थोड़ी बनवाया है ये तो जब उसके अकबर के बेटे ने बनवाया, जब उसकी कब्र बनी थी तब ये यहीं का है। ये दिखाता हूँ आपको इधर से,
ये देखिए ये है, बनवाया होगा उसके बेटे ने। और अब हम चलते हैं, अकबर की कब्र भी एक बार दिखा दी आपको। तो दोस्तों ये था अकबर की कब्र का वीडियो जो हमने आपको दिखाया। पहले हमने आपको अकबर का महल दिखाया था, आज हमने कब्र दिखा दी। तो आपको दोस्तों कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताना। हमने सोचा चलो यहाँ आए हैं आगरा तो हम ये भी चीज़ आपको दिखा दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।